जीएच न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और पंचायत मंत्री त्रिपत राजेंद्र सिंह बाजवा ने आज बटाला में सहकारी चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन किया और उनके साथ विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा और बलविंदर सिंह लाड़ी भी थे। श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पंजाब के किसानों की गन्ने की फसल का बकाया जो सहकारी मिलों की ओर है, पंजाब सरकार द्वारा अगले 10 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। और मंत्री रंधावा ने कहा कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी का बैकलॉग था, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाना था और उन्होंने केंद्र से जल्द भुगतान करने की अपील की थी। पंजाब की सहकारी चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और पंजाब में निजी चीनी मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्षमता बढ़ाई जा रही है और विशेष रूप से इन गुरदासपुर और बटाला सहकारी मिलों फॉर्मा में चीनी का निर्माण किया जाएगा जो अन्य चीनी से अलग है और जिसका उद्देश्य है गन्ने का उत्पादन करने के लिए मिल की आय बढ़ाना, किसानों को मिल से फसल की राशि तुरंत मिल सके। बटाला से जगजीत सिंह की रिपोर्ट। फिर दुख ना लगे आए। साढ़े 3 करोड़ एस डी आई मैं कह दिता कि हर मिड जी गवर्नमेंट पंजाब की है वो असं 10 दिनों के क्लीयर कर देने लगे। साड़ी सीसी लिमिट जी बन गई है और पेमेंट इन्हें हो जाएगी जी। सिर्फ 60 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जी पेमेंट है जी सबसिडी की उन्होंने क्या कि वह कर दो। इस करके मेरा पहला ख्याल से कि असी इन्हों डायरैक्ट किसानों को भी पा दिए क्योंकि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों ने भेजनी उस सीधी किसानों के अकाउंट में जानी है। इस करके उन्होंने मैं रिक्वेस्ट भी की कि यह जी चीज़ है ये सानू पैसे भेज दो, असी किसानों जो आने तो उदो दे देंगे तो पहला पहला अपने पेड़ पर उन्होंने जो उन्होंने प्रोसीजर है जो उन्होंने सारे इंडिया से लागू करना वो ही पंजाब से रखना। साड़ी स्टेट गवर्नमेंट की जी पेमेंट होगी वो 10 दिनों के पूरी क्लीयर असी कर लेंगे। सर जी गल की पिछली पेमेंट की गन्ने की पेमेंट निजी मिलों वाली भी काफ़ी हाले बकाया। देखो निजी मिलों का मैं तो उन्होंने कंपीटिटर हाँ कि मेरिया जो सरकारी मिलों ने तो प्राइवेट मिलों असी दो कंपीटिशन है साढ़े असी वो पीड़ना ये बारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही जवाब दे सकता क्योंकि जी उन्होंने भी वैसे जो करिए उन्होंने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शूगर एक्सपोर्ट हुई थी उन्होंने भी पैसे उत्थे असें पे पर कई मिलों ने उत्थे पेमेंट अपनी कर दी। तुम कंपीटिशन की गल की है तो सहकारी मिलों को निजी मिलों के नाल तोलिया जाए तो किस तरह की प्रोग्रेस हैगी है इसलिए सहकारी मिलों साड़ी जी पिछली जो प्रोग्रेस स्टडी असी बड़ी वधिया प्रोग्रेस स्टडी है साड़ी भोजपुर की कल ही असी 3000 जी कपैसिटी की कर दिता 1000 तो 64 साल बाद उस मिल की असी कपैसिटी वधाई है। ये बटाला और जी गुरदासपुर शुगर मिलों दोवें ने इन्हों का साड़ी DPR बन गई जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहें लोन साढ़े हो गए हैं
और जनवरी के पहले या दूजे हफ्ते यदा नींह पत्थर सोना मिलने का रख दिता जाएगा। 3500 टन की यह होएगी तो 5000 जी होएगी। ये तो इतने जी फार्मास्यूटिकल शुगर बनेगी तो असी दूसरी चीनी बनाने वाले पास प्रोसीजर जरूर रखेंगे, पर जरा दूसरी चीनी जी आम चीनी है तो जी फार्मास्यूटिकल शुगर है वो बहुत फर्क है, प्राइस का बड़ा डिफरेंस है। इस कोजनरेशन भी चलेगा तो कि जे वाहगुरु ने कृपा रखी तो ये जड़िया तिने चारे मिला ने साड़िया भोगपुर बटाला और गुरदासपुर ये मिला जड़िया ने जिस वेल्ले ट्राली किसान लैके आएगा नाल दी नाल इन्हां मिलों चो पेमेंट होएगी।